दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका नर्सिंग किट यूट्यूब चैनल पे। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो टेम्परेचर अपन चेक करते हैं थर्मामीटर, उन थर्मामीटर के टाइप्स के बारे में। आखिर जो थर्मामीटर हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, अलग अलग प्रकार के थर्मामीटर किस प्रकार से वर्क करते हैं टेम्परेचर को चेक करने में। चलिएगा स्टार्ट करते हैं आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो को। तो यहाँ पर देखिएगा टाइप्स ऑफ थर्मामीटर को अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये आज का अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। यहाँ पर आप थर्मामीटर देख सकते हो, हर एक थर्मामीटर की इमेज होगी और उसका फंक्शन यहाँ पर मैं आपको क्लियर करवाऊँगा। टाइप्स ऑफ थर्मामीटर ये अपना टॉपिक है, चलिएगा। तो सबसे पहला जो थर्मामीटर आता है उसका नाम है डिजिटल थर्मामीटर। देखिएगा ये जो थर्मामीटर होता है क्या करता है, डिजिटली टेम्परेचर को चेक करता है। इसमें अगर अपन बॉडी के अंदर कहीं अगर इसको इंसर्ट करेंगे, एक्जिला के अंदर, माउथ के अंदर, तो विद इन 1 मिनट का अपन वेट करते हैं और 1 मिनट के अंदर अपने को पता चल जाता है कि जो पेशेंट है उसकी बॉडी का टेम्परेचर कितना है। ये कम्प्लीटली डिजिटल है, इसके अंदर बैटरी डलती है और बैटरी से चार्जिंग हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, दूसरा जो टाइप है उस टाइप को देखने से पहले यहाँ पर आप देख सकते हो जो डिजिटल थर्मामीटर है वो किस प्रकार से बना हुआ होता है। यहाँ पे ये क्या है, उसका एक सेंसर होता है जिसको माउथ या एक्जिला में रखते हैं। ये डिस्प्ले विंडो है जहाँ पर अपने को टेम्परेचर दिखाई देता है और ये ऑन और ऑफ़ का बटन है जिससे अपन क्या करते हैं, इस थर्मामीटर को ऑन ऑफ़ करते हैं। और जो सबसे लास्ट है ये है बैटरी का कवर जिसके अंदर बैटरी डलती है। तो डिजिटल थर्मामीटर यहाँ पर आपको क्लियर हो चुका होगा कितने उसके पार्ट्स और किस प्रकार से ये फंक्शन करता है। नेक्स्ट आ जाते हैं और सेकंड जो प्रकार है थर्मामीटर का उसका नाम है मर्क्यूरी थर्मामीटर। अब मर्क्यूरी थर्मामीटर तो नाम से क्लियर हो गया होगा भाई, इसके अंदर क्या पाई जाएगी, इसके अंदर मर्करी आएगी और मर्करी का लेवल अपन चेक कर लेंगे। मर्करी जितने ऊपर तक जाएगी उससे अपने को पता चल जाएगा कि बॉडी का टेम्परेचर कितना है, क्लियर है। तो ये हो गया मर्क्यूरी थर्मामीटर। यहाँ पर देख सकते हो ये मर्क्यूरी थर्मामीटर के पार्ट्स हैं। इसका जो पहला शुरू का जो हिस्सा है उसे क्या कहा जाता है, उसे बल्ब कहा जाता है। और देन यहां पर मर्करी होती है, फिर ये सेल्सियस के अंदर स्केल दे रखा है जिसके अंदर अपन देख लेते हैं मर्करी का लेवल कितना हाई जाता है। अगर 37 डिग्री सेल्सियस तक है मतलब नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है। और जो इसके अंदर ये जो ट्यूब बना रखी है, इस ट्यूब को क्या कहा जाता है, इसे कैपिलरी ट्यूब कहा जाता है। तो देखिएगा थर्मामीटर के भी दो हिस्से होते हैं, मेनली बल्ब और स्टेम। जब इसको अपन क्या करेंगे, साफ करते हैं तो अपन याद रखते हैं भाई बल्ब टू स्टेम जाते हैं और स्टेम टू बल्ब, मतलब लेस कंटामिनेशन से मोर कंटामिनेशन, क्लियर है। तो यहाँ पर जो अपना मर्क्यूरी थर्मामीटर है उसके पार्ट्स आपको क्लियर हो चुके होंगे। नीचे वाले पोर्शन को बल्ब कहा जाता है और सबसे लास्ट में उसे स्टेम कहा जाता है और बीच में सेल्सियस स्केल होता है और इसमें मर्क्यूरी होती है। मर्क्यूरी से अपने को पता चल जाता है जो कि कैपिलरी ट्यूब में होती है। नेक्स्ट आ जाता है और जो थर्ड टाइप है वो है इलेक्ट्रॉनिक ईयर थर्मामीटर। अब देखिएगा जो इलेक्ट्रॉनिक ईयर थर्मामीटर है इसे क्या कहा जाता है, इसे टिम्पेनिक थर्मामीटर भी कहा जाता है। क्या, इसे टिम्पेनिक थर्मामीटर भी कहा जाता है बिकॉज इससे अपन क्या करते हैं, जो अपना कान के अंदर जो इंसर्ट करते हैं कान के पास में और अपना ईयर ड्रम है उसके आसपास का टेम्परेचर अपन चेक करते हैं, इसलिए इसे टिम्पेनिक थर्मामीटर भी कहा जाता है और अदरवाइज इसका नाम इलेक्ट्रॉनिक ईयर थर्मामीटर भी है। इमेज यहाँ पर आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट आ जाएंगे और फोर्थ नंबर का जो थर्मामीटर है उसका नाम है प्रोब थर्मामीटर। अब प्रोब थर्मामीटर क्या करता है, तो देखिएगा जो प्रोब थर्मामीटर है इसका जो प्रोब है इस वाले पोर्शन को अपन कहाँ करते हैं, कोई भी फूड है या फिर कोई भी मील है उस मील के अंदर क्या कर देते हैं, अपन इसको इंसर्ट कर देते हैं और अपन चेक करते हैं कि भाई फूड का या मील का टेम्परेचर कितना है। ये जो मैंने आपको प्रोब बताया है, इस प्रोब को क्या कर देते हैं, फूड के अंदर इंसर्ट कर देंगे, ऊपर जो ये डिजिटली यहाँ पर दिखा देगा कि इसका टेम्परेचर कितना है, तो इसे बोलते हैं प्रोब थर्मामीटर। नेक्स्ट आ जाएंगे और जो नेक्स्ट टाइप है थर्मामीटर का वो है पायरोमीटर थर्मामीटर। क्या है, नेक्स्ट है पायरोमीटर थर्मामीटर। अब देखिएगा जो पायरोमीटर थर्मामीटर है ये किसी प्रकार के कोई अपन क्या करते हैं, कोई पेशेंट के टेम्परेचर को चेक करने के लिए यूज नहीं करते हैं। क्या, कोई पेशेंट के टेम्परेचर को अपन यूज नहीं करते हैं इसके द्वारा अपन क्या करते हैं, इसके द्वारा अपन कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, किसी भी प्रकार का कोई ऑब्जेक्ट होता है जैसे कि बाहर की साइड में भी अपन रूम वगैरह का टेम्परेचर इससे चेक कर सकते हैं, तो ये क्या होता है, पायरोथर्मामीटर। नेक्स्ट आ जाते हैं और नेक्स्ट जो टाइप है वो है प्लास्टिक स्ट्रिप थर्मामीटर। नेक्स्ट है
प्लास्टिक स्ट्रिप थर्मामीटर। तो देखिएगा, जो प्लास्टिक स्ट्रिप थर्मामीटर है ये क्या होता है, एक प्रकार की स्ट्रिप होती है, और इस स्ट्रिप को अपन क्या करते हैं, इस स्ट्रिप से अपन टेम्परेचर को डिनोट करते हैं। अब देखिएगा ये स्ट्रिप किस प्रकार से पैक होकर के आती हैं, तो यहाँ पर आप एक पैकेट देख सकते हो, ये है फोर हेड थर्मामीटर स्ट्रिप। मतलब क्या करते हैं, अपना जो फोर हेड है उसके ऊपर इस स्ट्रिप को लगा देते हैं, और ये सेफ़ और इफ़ेक्टिव होती है। 15 सेकेंड के बाद अपन इसमें रीडिंग देख लेते हैं कि टेम्परेचर कितना आ चुका है। क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट और जो लास्ट टाइप है थर्मामीटर का, वो है पेसिफायर थर्मामीटर। नेक्स्ट क्या है, जो वो है पेसिफायर थर्मामीटर। अब देखिएगा जो पेसिफायर थर्मामीटर है ये स्पेशली किसके लिए यूज़ किया जाता है, ये चाइल्ड के लिए यूज़ किया जाता है। जो मदर्स होती हैं वो बच्चों के लिए यूज करती हैं, ताकि उनको पता चल जाए कि बेबी को किसी प्रकार का कोई फीवर तो नहीं है, अर्लियर जो टेम्परेचर है उसको चेक कर लेती हैं, और अर्लियर कोई डिजीज कंडीशन तो नहीं है, इसको फाइंड आउट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो इसे कहा जाता है पेसिफायर थर्मामीटर, जो कि नॉर्मली छोटे जो बच्चे होते हैं, इन्फेंट होते हैं, उनके लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पर अपन ने थर्मामीटर के कितने टाइप होते हैं और हर एक की इमेज यहाँ पर देख ली, उनका फंक्शन यहाँ पर देख लिया है। अब अपन यहाँ पर बात करेंगे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो रेक्टम है, क्या जो रेक्टम है उसका जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है वो कितना होता है, 97.9 डिग्री फारेनहाइट टू 100.4 डिग्री फारेनहाइट। माउथ की बात करते हैं तो 95.9 टू 99.5 डिग्री फारेनहाइट माउथ का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है। बात करते हैं आर्मपिट की या एक्जिला की, तो उसका होता है 97.8 डिग्री फारेनहाइट टू 99.5 डिग्री फारेनहाइट। और लास्ट अपन यहाँ पर बात करेंगे वो है ईयर का, तो ईयर का जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है वो कितना होता है, तो वो होता है 96.4 डिग्री फारेनहाइट टू 100.4 डिग्री फारेनहाइट। तो यहाँ पर अपन ने ये तो अपन ने डिस्कस कर लिया है कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, रेक्टम का, एक्जिला का, आर्मपिट का, ईयर का, चारों का अपन ने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट चीज़ अपन यहाँ पर डिस्कस करते हैं, और ये देख सकते हो बॉडी टेम्परेचर इन्फो के नाम से यहाँ पर दे रखा है। अब देखिएगा इसमें यहाँ पर दे रखा है कि अपना नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना बता रखा है, 36 कुछ बता रखा है, मतलब अपन 37 के अप्रोक्स इसको मान के चलते हैं। अगर ये ऊपर जाता है, क्या अगर ये ऊपर जाता है तो अपनी बॉडी क्या हो रही है, टेम्परेचर उसकी बॉडी का हाई होता जा रहा है, और जबकि नीचे आ रहा है तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, डाउन होता जा रहा है, बॉडी क्या हो जाएगी, ठंडी होने लग जाएगी। तो एक बॉडी टेम्परेचर का इन्फो है। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर अपन ने कंप्लीट जो थर्मामीटर के जो टाइप हैं उन टाइप्स को अपन ने कंप्लीट रूप से यहाँ पर देख लिया है। सबसे पहले डिजिटल थर्मामीटर, देन अपन ने देखा है मर्क्यूरी थर्मामीटर, फिर अपन ने देखा है इलेक्ट्रॉनिक ईयर थर्मामीटर, प्रोब थर्मामीटर, पायरोमीटर थर्मामीटर, प्लास्टिक स्ट्रिप थर्मामीटर, और लास्ट आप पेसिफायर थर्मोमीटर, और नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर अपन ने यहाँ पर देख लिया है। तो देखिएगा अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और उसके बाद मैक्सिमम दोस्तों के साथ इसको शेयर करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए हमारे से जुड़े रहिएगा। थैंक यू।